भारत में जिस गांजे को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर बैन किया गया है, उसे लेकर विज्ञान का तर्क कुछ और ही है। विज्ञान गांजे को लेकर इसके कई फायदे होने का दावा करता है, लेकिन अब गांजे को लेकर एक स्टडी में इसे कोरोना वायरस के बचाव के तौर पर बताया गया है। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि गांजे के इस्तेमाल से कोरोना वायरस के प्रति सबसे अधिक खतरे में रहने वाले आयु वर्ग के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मौत से बचाया जा सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए गांजा को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों पर गांजा से मिलने वाले तत्वों का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। कनाडा की लेथब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने यह दावा किया है कि इम्यून सिस्टम में खराबी के कारण से साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें वायरस के साथ साथ शरीर के स्वस्थ सेल्स भी शिकार बन जाते हैं। कोविड के कई गंभीर मामलों में यही मौत की भी वजह बनता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वायरस के शरीर से निकलने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रहती है। गांजे के पेड़ से मिले तत्व साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सकते हैं, जिससे कोरोना से गंभीर अवस्था में पीड़ित मरीज को बचाया जा सकता है। रिसर्चर्स ने गांजे के 200 से ज्यादा स्ट्रेन्स को देखने के बाद 7 पर स्टडी की है। यह रिसर्च रिसर्च केयर में प्री प्रिंट हुई है और अभी इसे पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। इस स्टडी में ऐसे 3 नए स्ट्रेन पाए गए हैं, जबकि पहले की स्टडीज में भी ऐसे स्ट्रेन का पता चला है। इन स्ट्रेन को नंबर 4, 8 और 14 कहा गया है। इसके तहत ICU में भर्ती कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए टेस्ट करने का प्लान है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।